मिस्टर रोहित, इस देश में आप यहाँ कैसे? मैंने जैसी अखबार में पढ़ा, पहली फ्लाइट पकड़ क्या चला है? वो तो माँ के मिलने की खबर आपने पढ़ी ली। देश में आप तो चले आए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है शायद बड़ी माँ कहीं जाने की तैयारी। मैं इला जी से नहीं, मैं सोनाली से मिलने आया हूँ। मिस्टर देशमुख, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरी माँ की दिमागी हालत ऐसी है कि उनसे कोई बात करी जा सके। मेरी दिमागी हालत को कुछ नहीं हुआ, लेकिन शायद मैं आपको नहीं जानती। मैं इला जी का वकील हूँ, देशमुख। ओ, अच्छा क्या मिस्टर देशमुख आप आ गए, वरना मैं आपसे बॉम्बे मिलने आ रही थी। क्या आपको कुछ कहना था? क्या आपको कुछ पूछना नहीं था? ये सब क्या हो रहा है? आपको यहाँ आकर अदालत लगाने की इजाजत किसने दी? I'm sorry, मैं तो यूं ही कुछ सवाल पूछने के लिए चला आया था। हाँ, इसमें हर्जी क्या है? बेटा कहता है कि दिमागी हालत ठीक नहीं, माँ मुझे छोटे बच्चे की तरह गोद में छुपा लेना चाहती है। मैं जानती हूँ मैं माफी के काबिल नहीं हूँ, लेकिन क्या मैं बात करने के काबिल भी नहीं? पूछिए क्या पूछना है। जाने दीजिए, मुझसे शायद भूल हो गई। अब पूछ भी लीजिए जो पूछना है। माँ, अगर आपको एतराज न हो तो मैं अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। रोहित चलो। मुझे आपसे ये पूछना है कि क्या इलाजी के बैग में पिस्टल आपने चलाई थी? हाँ। इस्तेमाल भी की थी? हाँ। क्या बात है बॉबी, तुम तो ऐसे थके लग रहे हो जैसे कोई जंग लड़के आए हो। क्या बताऊं बड़ी माँ, ये जो अंकित अजमेर है ना, ओ माय गॉड, ऐसी आफत है कि उसकी तो बकबक सुनकर ही मैं थक गया। राइट टाइम पे थी, ठीक से पहुंचा क्या है? ठीक से धक्के देकर भेजा है बड़ी माँ, वरना उसने तो पूरी कोशिश कर ली थी कि किसी तरह फ्लाइट मिस हो जाए। खुश गई ना? खुश? ऐसी वैसी खुश? वही तो कह रहा हूँ बड़ी माँ, 3 दिन हो गए फिर भी उसका घर जाने का कोई इरादा नहीं था। उसके घर फोन कर दिया था? अब मैं क्यों करता बड़ी माँ, और मुझे वहाँ जानता ही कौन है। उसने अलबत्ता 3 दिन में 13 बार मुंबई फोन किया था। अगर हमारी पर्सनल गेस्ट ना होती तो मैं तो उसके हाथ में बिल पकड़ा देता। जाते समय कुछ कह रही थी? नहीं, कुछ खास नहीं। अभी तो कह रहे थे बहुत बकबक करती है। हाँ, ऐसे ही वो कह रही थी कि हम लोग बहुत अच्छे हैं और उनका परिवार भी बहुत अच्छा है, फिर ये दोनों परिवारों में दुश्मनी क्यों? वैसे बड़ी माँ, कम टू थिंक ऑफ इट, ये दुश्मनी है क्यों? दुश्मनी हो भी तो तुम इस दुश्मनी में क्यों पड़ते हो? तुम किसी राजपूत के बेटे तो नहीं जो अपने बाप दादा की दुश्मनी को अपने सर पे कफन की तरह बांधे फिरो। मैं इन चीजों को नहीं मानता बड़ी माँ, और अंकिता भी नहीं मानती, इसलिए हम दोनों ने एक दूसरे को दोस्ती का वचन दे दिया। बॉबी, बिजनेस और रिश्ते का ये असूल हमेशा याद रखना, अव्वल तो किसी को वचन मत देना, अगर दो तो उसे सर कटा के भी निभाना। वैसे इस बार तुमसे यानी कि सबसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो क्या बड़ी माँ? संजीत के पास 3-3 कैमरा है, रोहित के पास एक है, तुम्हारे पास भी एक है। मेरा बर्थडे चला गया, किसी ने एक तस्वीर भी नहीं खींची। ओह गॉड, व्हाट अ शेम। रियली व्हाट अ शेम। जिससे दोस्ती बढ़ानी हो उसकी एक तस्वीर तो चाहिए। वो बड़ी माँ, वो क्या, मैंने कहीं पढ़ा था बड़ी माँ, अगर आपको कुछ करना हो उसे कहना नहीं चाहिए, क्योंकि कहने से करने का असर कम होता है। यू जस्ट वेट एंड सी बड़ी माँ। ओके बड़ी माँ। क्या लग रखा है? और आदमी से तेरा क्या मतलब है? आदमी को आदमी नहीं तो और क्या कहें? शेर को शेर कहते हैं।
पंछी को पंछी कहते हैं, गधे को गधा कहते हैं, तो आदमी को आदमी ना कहें। अच्छा बोल बोल, तेरे क्या चाहिए? तनी रोहित बाबू को बुलाई दो। रोहित बाबू? ये रोहित बाबू कौन है? तेरा बाप, उन्हीं के घर में रहता, उन्हीं को ना जाने। ये तेरे बाप का घर नहीं है, होटल है। होटल एक छोटा मारे ना तो गुलाई मारे कौवे की तरह उड़ता उड़ता नजर आएगा। अरे वो रहे रोहित बाबू, अरे रोहित बाबू, अरे ओ रोहित बाबू। भिखारी होने से सुभाष सी लेते। देखा रोहित बाबू, कैसे हमारी एक आवाज पर तुम भागे आते हो? क्या हुआ रे इसका, तुम पीछे के रास्ते से क्यों आई? आज हम एक फैसला कर लिए। कैसा फैसला? क्या कपड़ा? रोहित बाबू, ये कोई मामूली कपड़ा नहीं, अपनी रीत के हिसाब से हम इन पर मंत्र पढ़वा कर लाए हैं। अपना हाथ दिखाओ, दिखाओ। आज अमावस्या है, आज की रात घोड़ा चुराने के लिए शुभ होवे। कल सुबह तक गांव में घोड़ा ले आना, 15 दिन तक घोड़ा हमारे घर के बाहर बंधा रहेगा, तब आवेगी पूरनमासी, फिर तेरी मेरी जिंदगी शुरू। वो तो ठीक है रेशमा, मगर अब अगर मगर कछु नहीं। रोहित बाबू, ये चुनी नहीं समझ लो, कफन बांधे हो। जब तक तुम घोड़ा नहीं लेकर आओगे, तब तक ना हम अपने घर जा सकते ना तुम। चाहे तुम्हें कितनी रात लग जाए घोड़ा चुराने में, हम भी अपने रिश्ते वालों के यहाँ रहेंगे। तुम तो घर के बाहर हो, यहाँ से ही चले जाओ, भगवान तुम्हारा भला करेगा। अब हम जाते हैं। हाँ रोहित बाबू, अगर आप घोड़ा नहीं लाए तो हमारी लाश समुद्र में पाओगे। घोड़ा चोरी का नहीं हुआ तो सुन ले। भगवान, अब मेरी लाश तेरे ही हाथ है।
बाबा मेरी कमर तो पक्का ही खुद ही छह आप खुद ही छह फिर ये लो चांदी क्या हिम्मत था चुप रहो तुम लोग जाओ जाओ मेरे पास जाओ चिल्लाओ मत वरना घोड़ा भी जाएगा और साथी है भाई बाबा ये मेरा मामा है रोहित बारोट कॉर्पोरेशन जो कि सिलिकॉन वैली प्रोजेक्ट देख रही है उसका वाइस चेयर लेकिन मेरे घोड़ा चोरी के लिए बाबा खामोश मैं जानता हूँ जो कुछ भी है बाद में निपट लेंगे शेट आप बाद में निपट लेंगे आप जानते हैं हम कौन है जानते हैं ना चलो भागो भागो भाई बेटा काम तो तुमने बहुत हिम्मत का करा पर घोड़ा भी बढ़िया वाला चुरा के लाया पर तुमने कल्ले चुराया ना जी हाँ मामा तो साथ नहीं था जी नहीं अभी ठीक है आओ भाई वाइस चेयरमैन साहब राम राम भाई राम राम भाई बेटी रेशमा भाई खाना बना बढ़िया वाला गोश्त बना और जो सबसे बढ़िया मिठाई आती हो बना आज तो भाई चोर के भेष में भगवान आ गया हमारे घर अभी आई बापू बाप रे बाप आप क्या कर रहे ऐसे वक्त पर तो लड़कों को माँ की याद आती है तुम्हें बाप की याद कैसे आ गई ऐसे वक्त पर जब कोई बेटा अपनी प्रेमिका से मिलकर आया हो आज पता लगा कि माँ को भगवान का दर्जा क्यों दिया जाता है क्यों दिया जाता है वो इसलिए कि भगवान भी अंतर्यामी होते हैं आपकी तरह आप एक बात बताइए कि आपको कैसे पता लगा कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ और किससे मिलकर आ रहा हूँ मेरे प्यारे बेटे रोहित मुझे इसलिए पता चल जाता है कि हर बाप कभी बेटा था और हर माँ बेटी वैसे तुम उससे मिलकर कैसे आए बगैर घोड़े के माँ मैं वो घोड़ा दे चुरा के पुलिस आ गई तो नहीं माँ घोड़ा चुरा कर उनकी रस्म पूरी कर दी और घोड़े की रकम देकर उसके दाम चुका दिए पुलिस का कोई खतरा ही नहीं चलो तुम्हारी चिंता से तो मैं मुक्त हूँ ये कपड़े ये जेवर माँ मेरी चिंता से मुक्त माँ तुमको किसी और की भी चिंता है ना तुम्हारी चिंता से तो मैं मुक्त हो गई मगर माँ की चिंता से मुक्त नहीं हुई अदालत की तारीख पड़ चुकी है मैं अदालत नहीं जाऊंगी पता नहीं वहां क्या होगा माँ मेरे ख्याल से तुम्हें बड़ी माँ की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं बड़ी माँ निर्दोष है ये बात मैं भी जानता हूं और तुम तो बहुत ही अच्छी तरह जानते हो हम तो जानते हैं लेकिन कुछ ऐसा हो कि दुनिया भी जान जाए कि ईला सिंघानी निर्दोष है हाँ वैसे ये तुम्हें कपड़े ये जेवर ये सब कैसे लगे ये मैं तुम्हारे बहू के लिए लाई हूँ बताओ हाँ बहुत अच्छे हैं अच्छे लगे ना स्मार्ट एक दिन
का कह के गई, तीन दिन लगा के आई है। पापा, अब आप मुझे डांटो मत। आपने फोन पर खुद ही कहा था कि जितने दिन चाहो रह सकती हो। वो तो ठीक है, लेकिन तू कनाडा से आती चली गई। माँ तुम्हारी दिन में 30 बार ताना देती है, बेटी को आते ही वहाँ भेज दिया, बेटी को आते ही वहाँ भेज दिया। मामा को मैं बना लूंगी, लेकिन गोवा मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, और गोवा के लोग? ओ पापा, वो तो और भी अच्छे थे। मुझे ऐसे रखा जैसे मैं उसी घर में पैदा हुई थी। मैं बाहर से आई हूँ ऐसा एक बार के लिए भी महसूस नहीं हुआ। तो वेरी 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 नाइस। और जन्मदिन पर फूल दे दिए थे? वो तो दे दिए थे, सबको बहुत अच्छा लगा। और पापा, मुझे देखकर किसी के माथे पर बल ही नहीं आया। लेकिन हाँ, नीला जी कुछ परेशान थी। बेचारी को हालात ने दुखी करके रखा है। नहीं, दुखी वाली कोई बात नहीं थी, लेकिन पुलिस और वकील और डॉक्टर इन सब में बहुत। डॉक्टर क्यों? डॉक्टर क्यों? सोनाली के लिए। पापा, उस घर में एक होई थी जो मेरे समझ में नहीं आई। कभी खुश जैसे हवा पे सवार, और कभी बोझल जैसे काली घटा। अब बरसे के तब बरसे। बेचारी की किस्मत में ही धूप छांव लिखी है, तो वो क्या करे। अरे, तुम अंदर जाकर सबसे मिलो। प्रसाद में खाना खाते हैं। ओके। अंकू। हाँ पापा। कुछ ऐसा तो नहीं जो तुम मुझे बताना भूल रही हो? नहीं। हाँ पापा, इलाजी ने एक लेटर दिया है आपके लिए, मैंने बैग में रखा है, खोलूंगी तो दे दूंगी। ओके मामा। लेटर? तीस साल बाद लेटर। जाने कितने युग बीत गए, जाने कितने वर्ष सर पर पांव रख कर रौंदते हुए गुजर गए, मगर मेरा जन्मदिन तुम कभी नहीं भूले। हर बार एक फूल भेजा करते थे, इस बार फूल जैसे अंकिता भेजी। जैसे फूल रख लेती थी, ऐसे ही जी में आया कि अंकिता को भी रख लूं। यहाँ मेरे परिवार के साथ ऐसे दूध शक्कर होकर रही कि लगता था कि जैसे उसका जन्म यही हुआ है। खैर, जन्म तो उसका आज मेरा परिवार में ही हुआ है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा के लिए हमारे घर में आ जाए। तुम नहीं भी मानोगे तो मैं जबरदस्ती रख लूंगी। लोगों ने मेरे साथ बहुत जबरदस्ती की है, क्या मैं तुम्हारे साथ इतनी छोटी मनमानी भी नहीं कर सकती? अंकिता मुझे दे दो। अदालत में मेरे साथ जो भी न्याय या अन्याय होगा, उसकी चिंता तुम नहीं करना। मेरे लिए कुछ भी करने का सोचोगे तो मुझे छोटा और कमजोर साबित करने की कोशिश करोगे, और कमजोर मैं नहीं हूं, ये तुम भी जानते हो। पता नहीं मुझे तुमसे डर क्यों लगता है इला। मैं कभी किसी से डरी नहीं, लेकिन जब भी किसी मुश्किल में होती हूं तो मुझे डर लगता है कि तुम कोई उल्टा सीधा कदम उठा ना लो। पता नहीं तुम्हारे प्यार पर विश्वास है, या मैं चाहती हूं करो कोई कदम उठाओ कि मुझे तुम्हारे प्यार पर विश्वास हो जाए। क्या हो रहा है?
तो आप खत पढ़ रहे थे। लो तुम भी पढ़ो। जी नहीं, दूसरे का खत मैं क्यों पढ़ूं? एक जमाने में ऐसे बहुत सारे खत आपकी मेज पर पड़े रहते थे, तब नहीं पढ़े, तो अब क्यों पढ़ो? तुम मेरी बहुत अच्छी बीवी हो, मैं जानता हूं, इसलिए ये खत तुम जरूर पढ़ो। जी नहीं। पढ़ो। मैं कह रहा हूं पढ़ो। जी नहीं। पढ़ो। जी नहीं। अगर कोई बताने वाली बात हो तो आपके मुंह से सुनूंगी, किसी और के शब्दों में नहीं। मुझे कोई जल्दी नहीं है, वक्त आने पर बताइएगा। आ